लोग समतल का समीकरण निकालने जा रहे हैं। समतल हमारा जो एक दिए गए सदिश के अनुलंब होगा और एक दिए हुए बिंदु से होकर जाएगा। तो हमारा हेडिंग है एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाला, यानी जो जिस समतल का हमको समीकरण निकालना है उस पे अनुलंब यानी एक लंब जो है सदिश पता रहेगा और एक दिए हुए बिंदु से जिससे वो होकर जाएगा, क्योंकि किसी भी सदिश के अनुलंब जो है बहुत सारे अनुलंब बहुत सारे तल हो सकते हैं। जैसे आप देखिए कि ये हम लोगों ने तल बनाया, ये हमारा तल है, ये हमारे बहुत सारे तल हैं जिसमें अगर हम लोग यहाँ पे एक ये इस पर अनुलंब अगर हम लोग ड्रा कर दें तो ये देखिए जो सारे तल हैं जो आपके ये तल ऐसे, तो ये सब जो है इसके परपेंडिकुलर हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए कि ये भी इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर, बहुत सारे तल हो सकते हैं जो एक दिए सदिश के अनुलंब हो। लेकिन जब आपका एक बिंदु भी फिक्स कर दिया जाता है कि एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाला और दिए सदिश के अनुलंब, तो केवल और केवल एक तल आपका होगा। तो ये बिंदु हमारा P, इसको हम लोग X1, Y1, Z1 बोलते हैं, तो इस दिए हुए बिंदु P से होकर जाने वाला है, जाने वाला तल है, और ये जो हमारा है प्लेन जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका हमको इक्वेशन निकालना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो ये हमारा तो पहला बात तो ये क्लियर हो गया कि किसी वेक्टर के अनुलंब में लंबवत जो है बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, लेकिन किसी वेक्टर के लंब में कोई प्लेन और किसी एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाला केवल और केवल एक ही प्लेन होगा। अब हम लोग देखिए कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं। चलिए इसमें एक लाइन लिख लेते हैं कि एक दिए हुए सदिश के अनुलंब अनेक समतल हो सकते हैं, परंतु एक दिए गए बिंदु
दिए गए पिन पी एक्स वन वाई वन जेड वन से होकर जाने वाला और सदिश के अनुलंब केवल एक समतल होगा। तो ये सिंपल सी बात है हम लोगों का कि अगर आपका ये केवल दिया हो कि किसी एक जो है वेक्टर किसी एक वेक्टर के जो है परपेंडिकुलर, तो बहुत सारे इन्फाइनाइट आपके जो है समतल हो सकते हैं। देखिए ये भी उसके परपेंडिकुलर समतल है, ये भी इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर। लेकिन अगर आप में कोई बिंदु दे दिया जाए कि इस बिंदु से होकर जाने वाला और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो केवल और केवल आपका एक प्लेन होगा। अब हम लोग जो है अपने मूल पॉइंट पे आते हैं कि समतल का समीकरण हमको लिखना है। तो समतल के बारे में हमारी क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो है समतल पे जो लंब वेक्टर वो हमको पता है कि समतल जो है किस वेक्टर के लंब है वो हमको पता है, और किस बिंदु से होके जाता है समतल उसका एक बिंदु भी हमको पता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो बिंदु P है जिससे होकर जाता है, और इस P के निर्देशांक हम लोग एक्स वन कामा वाई वन कामा जेड वन मान लेते हैं, और ये तल हमारा जिस वेक्टर के लंब है उस वेक्टर को हम लोग एन वेक्टर मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तल में कोई भी जनरल एक बिंदु पी लेते हैं हम लोग। ये जो हमारा जो दिया गया बिंदु ए है इसको हम लोग ए ले लेते हैं, जिस दिए हुए बिंदु से होके जाता है उसको हम लोग ए मान लेते हैं। और अगर स्थित सदिश की बात करी जाए तो इस हमारे जो वेक्टर का स्थित सदिश है ये हमारा वेक्टर ए है, यानी जो तल हमारा जिस बिंदु से होके जा रहा है उसका स्थित सदिश वेक्टर ए है, और जिस वेक्टर के लंब में हमारा तल है वो वेक्टर एन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोई पॉइंट पी जो है जनरल पॉइंट हम लोग मानेंगे, जिसका निर्देशांक अगर बात करी जाए तो एक्स वाई जेड है, और अगर इसका वेक्टर के रूप में बात करा जाए तो इसका स्थित सदिश हम लोग मानेंगे वेक्टर आर। तो ये जो वेक्टर जो पॉइंट पी हम लोगों ने माना है जिसका स्थित सदिश वेक्टर आर है, अब हम लोगों को कुछ ऐसी कंडीशन लिखनी है कि ये पी बिंदु जो है इस पूरे तल में कहीं पर भी हो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, वही हमारा जो है इस तल का समीकरण हो जाएगा। तो पहले हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिखते हैं कि वेक्टर एन के लंब जो है हमको वेक्टर चाहिए, और ए बिंदु से जिसका स्थित सदिश वेक्टर ए है से जाने वाले सदिश। तो माना हम लोग ये लिखेंगे दो पॉइंट, माना समतल एक बिंदु ए, माना समतल एक बिंदु ए जिसकी स्थित सदिश वेक्टर ए है से होकर जाती है, से जाता है, और सदिश एन के अनुलंब है। तो दो बातें हमको पता होनी चाहिए कि किस बिंदु से होके जा रहा है और किस वेक्टर पे लंब है हमारा तल,
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो सदिश समीकरण ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये जो होगा ये वेक्टर के रूप में होगा, जो हमारा इक्वेशन लिखेंगे तल का, समतल का जो समीकरण लिखेंगे वो हमारा सदिश समीकरण होगा। तो हम लोगों ने जो ये जिस बिंदु से होके जा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ए है, और हम लोगों ने क्या किया, कोई बिंदु पी हम लोगों ने रैंडमली आपका माना जो हमारा इस तल पे स्थित है, और ए और पी को हम लोगों ने मिला दिया। तो इसमें एक लाइन हम लोग और लिखेंगे कि माना समतल में स्थित कोई बिंदु पी है, माना बिंदु पी समतल में स्थित कोई बिंदु है, जिसका स्थित सदिश आर है। तो अगर हम लोग त्रिभुज ओ ए पी में हम लोग अगर कहें कि त्रिभुज ओ ए पी में सदिश योग नियम से, तो त्रिभुज के सदिशों का योग का नियम क्या है हमारा, कि देखिए पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, तो इन दोनों का योग पहले वेक्टर से लेके दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु पर, यानी OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल टू हमारा हो जाएगा OP वेक्टर, और OA हमारा A वेक्टर है और AP वेक्टर हम लोग यहाँ से निकालें तो OP वेक्टर हमारा R है, तो यहाँ से हमारा जो AP वेक्टर हो जाएगा वो वेक्टर R माइनस वेक्टर A, ये हमारा समीकरण नंबर एक हो गया। अब जो AP वेक्टर हमारा है, ये P हमारा जैसे भी तल में कहीं पर भी हो, ये हमारा जो AP वेक्टर होगा वो हमारा तल में ही स्थित होगा। AP वेक्टर हमारा ये अगर प्लेन है तो उसी तल में ही होगा, और प्लेन पे जो लंब है N वेक्टर, तो AP वेक्टर और N वेक्टर हमेशा क्या होंगे, लंब होंगे। यानी AP वेक्टर और N वेक्टर अगर लंब होंगे तो AP वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमारा AP वेक्टर लंब है N वेक्टर से, और दो वेक्टर के बीच में अगर कोण 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो AP डॉट N इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ से हमारा सिंपल सा आ गया जो इक्वेशन, R माइनस A डॉट N वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये हमारा समतल का समीकरण आ गया जो एक दिए हुए बिंदु से होके जाता है और एक दिए गए सदिश के लंब है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये R माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या है, समतल का, पहली बात तो ये सदिश समीकरण है समतल का सदिश समीकरण है, और ये हमारा बिंदु A, बिंदु जिसकी स्थित सदिश, बिंदु जिसकी स्थित सदिश ए है से जाने वाले और सदिश एन के अभिलंब समतल का समीकरण है। R माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, पॉइंट उस बिंदु से होके जा रहा है जिस बिंदु की स्थित सदिश ए है और उस वेक्टर वेक्टर एन के अभिलंब है,
यानी किसी एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाले और दिए गए वेक्टर के अभिलंब जो है तल का समीकरण r माइनस ए डॉट n इक्वल टू जीरो, ये हमारा सदिश समीकरण हो गया। ये हम लोगों ने लिख लिया सदिश समीकरण। अब हम लोग इसका कार्तीय रूप लिखना चाहते हैं। कार्तीय रूप, कार्टीजियन फॉर्म। तो कार्तीय रूप में हम लोग निर्देशांक के रूप में जो है बात करते हैं, और वेक्टर रूप में हम लोग वेक्टर के रूप में बात करते हैं। तो वेक्टर रूप से हम लोग कार्तीय रूप में देखिए कैसे पहुंचते हैं। सिंपल सी बात है, फिगर दोबारा बना लेते हैं। ये हमारा जो इस पे अभिलंब है, ये वेक्टर हमारा n है, और जो बिंदु A है इसके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x1, y1, z1 है। जिस बिंदु से होके जा रहा है उस बिंदु के निर्देशांक हम लोगों ने मान लिया कि x1, y1, z1 है, और पहले हम लोगों ने क्या माना था कि इस बिंदु का स्थित सदिश A है। तो अब यहाँ पे निर्देशांक के पदों में बात करी जाएगी, तो हम लोगों ने निर्देशांक मान लिया, और कोई पॉइंट P हम लोग तल में लेंगे, इसका निर्देशांक x, y, z हम लोगों ने मान लिया, और वहाँ पे हम लोग वेक्टर R माने थे। तो सदिश समीकरण हमारा क्या है, R माइनस A डॉट n इक्वल टू जीरो, यानी R माइनस A डॉट n इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोगों का जो वेक्टर n है, ये वेक्टर n हमारा नहीं दिया होगा, ये वेक्टर n का दिक अनुपात दिया होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, माना माना दिया बिंदु x1, y1, z1 और वेक्टर n के दिक अनुपात कैपिटल A, B, C हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जिस बिंदु से होके जा रहा है उस बिंदु का निर्देशांक x1, y1, z1 दिया है, और जिस वेक्टर के अनुलंब है उसके दिक अनुपात A, B, C है। माना समतल पर कोई बिंदु P, के निर्देशांक x, y, z हैं। अब हम लोग यहाँ से वेक्टर R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो फार्मूले में हमारा यूज हुआ वेक्टर R हमारा हो जाएगा, अगर किसी बिंदु के जो है निर्देशांक पता है x, y, z तो उसकी स्थित सदिश हमारा हो जाता है x(i) प्लस y(j) प्लस z(k). तो वेक्टर R हो गया, और वेक्टर A हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, A के जो है निर्देशांक x1, y1, z1 है, तो ये हमारा हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। और वेक्टर n के दिक कोसाइन हमको, दिक अनुपात हमको पता है, तो वेक्टर n बराबर हमारा हो जाएगा, अगर किसी भी वेक्टर के दिक अनुपात पता हो तो ai प्लस bj प्लस ck। ये हमारा वेक्टर R, वेक्टर A और वेक्टर n हो गया। वेक्टर R, वेक्टर A और वेक्टर n के मानों को हम लोग समीकरण एक में रखते हैं। वेक्टर R, A तथा n को समीकरण एक में रखने पर तो R माइनस A वेक्टर यानी हमारा xi प्लस yj प्लस zk माइनस A हमारा है x1i प्लस y1j प्लस z1k,
ये हमारा हो गया आर माइनस ए डॉट एन, यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस जाएगा, तो एक्स आई माइनस एक्स वन आई हमारा हो गया एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के, इसका डॉट प्रोडक्ट हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए आई वाले का आई से गुणा करते हैं, यानी ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ये हमारा समतल का समीकरण आ गया, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा जो समतल का कार्तीय रूप है, कार्तीय रूप है। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि बिंदु x1 कामा y1 कामा z1 से जाने वाले और उस सदिश के अनुलंब जिसके दिक अनुपात a b c हैं का ये समीकरण है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि x1 y1 कामा z1 से जाने वाले तथा सदिश जिसका दिक अनुपात कैपिटल ए कैपिटल बी सी है के लंब समतल का समीकरण। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया समतल का अपना दूसरा समीकरण। तो इसको हम लोग पूरा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या निकाला, क्या फाइंड किया, तो किसी दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाला और एक दिए हुए वेक्टर के लंब जो है जो समतल है उसका समीकरण। तो यहाँ पे हमारा जो वेक्टर फॉर्म में बात किया जाए तो ये वेक्टर n था और जिस बिंदु से होके जा रहा था हमारा उस बिंदु का स्थित सदिश हमारा दिया है, जिस बिंदु से होके जा रहा है उस बिंदु का स्थित सदिश हमारा है वेक्टर a, एक्स एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। तो हम लोगों ने कहीं पे माना अपना पॉइंट P, जिसके स्थित सदिश को हम लोगों ने R बोला और इनको मिला दिया A और P को, तो ये हमारा आ गया R माइनस A डॉट N इक्वल टू जीरो। तो सदिश समीकरण, तो फिर से अगर फार्मूला हम लोग लिखें तो R माइनस A डॉट N इक्वल टू जीरो, ये हमारा एक फार्मूला आ गया। इसको हम लोग अगर डिटेल में लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए बिंदु ए जिसका स्थित सदिश वेक्टर ए है से जाने वाले और सदिश एन के अभिलंब समतल का समीकरण। तो अगर फार्मूले का आपको डिटेल से पता रहेगा तभी आप अप्लाई कर लेंगे आराम से कि कौन से टर्म का क्या मीनिंग है। तो r माइनस ए डॉट n इक्वल टू जीरो हमारा क्या है, उस बिंदु से होकर जाने वाला जिस बिंदु का स्थित सदिश वेक्टर a है और अभिलंब जो है उस तल का अभिलंब वेक्टर n है, तो r माइनस ए डॉट n इक्वल टू जीरो। और इसको हम लोगों ने जब
कार्तीय रूप में लिखा तो ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, ये हमारा कार्तीय रूप में समीकरण आ गया तल का। ये सदिश रूप है, और ये हमारा कार्तीय रूप है। तो इसको अगर हम लोग लिखें कि बिंदु एक्स वन वाई वन जेड वन से जाने वाले तथा सदिश जिसका दिक अनुपात ए कामा बी कामा सी है के अभिलंब समतल का समीकरण। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, 2, -4 से जाता है और 2, 3, -1 दिक अनुपात वाली रेखा पर लंब है। तो पहले हम लोग जो है फार्मूला एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड एक्सिस, और हम लोगों ने देखा है कि अगर इस समतल पे जो है लंब वेक्टर n हो, यानी n वेक्टर के लंब, और दिए गए बिंदु A जिसका स्थित सदिश वेक्टर A है से जाने वाली जो समतल का समीकरण होता है वो r माइनस a डॉट n इक्वल टू जीरो। तो अब हमारा जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से हमको वेक्टर ए निकालना है। तो किस बिंदु से होके जाता है, बिंदु ए का निर्देशांक हमारा है 5, 2, -4। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक अगर हमको पता होते हैं तो उस बिंदु का स्थित सदिश तुरंत ही हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से वेक्टर आई हमारा हो सॉरी वेक्टर ए हमारा हो जाएगा 5i + 2j - 4k। वेक्टर ए पता चल गया, और किसी भी वेक्टर का दिक अनुपात पता हो तो वो वेक्टर हम लोग लिख लेते हैं 2i + 3j - k, 2i + 3j - k। यानी किसी सदिश के r के दिक अनुपात ए बी सी हैं तो जो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के होता है वो सदिश के समांतर होता है। तो अगर दिक अनुपात हमको पता है 2, 3, -1, तो अगर हम लोग 2i + 3j - k लिख लिया तो ये हमारा n के समांतर होगा। तो अगर n के लंब है तो n के समांतर जो रेखा होगी उस पर भी लंब होगी, तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा सब कुछ पता चल गया, और r वेक्टर तो हमारा xi + yj + zk होता है, xi + yj + zk, क्योंकि r बिंदु सॉरी जो हमारा जो स्थित सदिश r होता है किसी बिंदु p का स्थित सदिश, और P के निर्देशांक हम लोग x, y, z मानते हैं। तो अब यहाँ से हमको R भी पता चल गया, A भी पता चल गया, N भी पता चल गया, तो हमारा जो समीकरण हो जाएगा वो r - a·n = 0। R की वैल्यू हमारा है xi + yj + zk - a हमारा है 5i + 2j - 4k · (n) 2i + 3j - k = 0।
अब हम लोग इसको घटा लेते हैं तो ये माइनस जाएगा, तो ये एक्स माइनस फाइव हो जाएगा इंटू आई, और ये वाई माइनस टू हो जाएगा प्लस वाई माइनस टू इंटू जे प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जेड प्लस फोर के के डॉट टू आई प्लस थ्री जे माइनस के इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा जो इक्वेशन हो गया सदिश रूप में एक्स माइनस फाइव आई प्लस वाई माइनस टू जे प्लस जेड माइनस जेड प्लस फोर के डॉट टू आई प्लस थ्री जे माइनस के इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर इसको हम कार्तीय रूप में करना है तो सिंपल सा ये हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है ये ले लेंगे, तो कार्तीय रूप में ये हमारा हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ले आई वाला आई से गुणा, तो टू इंटू एक्स माइनस फाइव प्लस थ्री इंटू वाई माइनस टू प्लस माइनस वन इंटू यानी जेड प्लस फोर इंटू माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा हो जाएगा टू एक्स माइनस टेन प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स माइनस जेड माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड, और ये दस छः सोलह चार बीस, और इधर जाके ये हमारा बीस हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया कार्तीय रूप में, और ये हमारा जो है ये सदिश रूप में समीकरण निकल गया। सिंपल सा फार्मूला r माइनस ए डॉट n इक्वल टू ज़ीरो।